कैप्टन अमरिंदर सिंह का सीएम प्रकाश सिंह बादल पर बड़ा हमला, कहा अगर पंजाब के हालात नहीं संभल रहे हैं तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। कैप्टन ने चेताया सरबत खालसा में शामिल नेताओं की गिरफ्तारी से और बिगड़ेगा माहौल। पंजाब के मौजूदा हालात को लेकर आज राहुल गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रपति से मिलेगा पंजाब कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। कोटकपुरा में फायरिंग के दौरान मारे गए दो सिख युवकों की मौत मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से करवाने की कर रहे हैं मांग। चंडीगढ़ में शुरू हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक, सूबे के मौजूदा हालात को लेकर हो सकता है मंथन, नई भर्तियों को लेकर भी ऐलान संभव। गुरुपर्व पर ननकाना साहिब जाने वाले 51 श्रद्धालुओं का वीजा आवेदन पाकिस्तान ने किया रद्द, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने की निंदा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित रामपाल के खिलाफ हरियाणा में चल रहे सभी केस की स्टेटस रिपोर्ट की तलब, रामपाल के सभी केस हो सकते हैं हरियाणा से बाहर ट्रांसफर, अगली सुनवाई 12 फरवरी तक टली। बिलासपुर नगर परिषद ने नहीं चुकाया 1 करोड़ का बिजली का बिल, बिजली विभाग ने भेजा नगर परिषद को नोटिस, कहा बिल नहीं चुकाने पर होगी कार्रवाई।